मौसम सिसक रहा है मगर मासूम जनता इसे बेखबर है। आप देख रहे हैं सत्य आज तक हमेशा सत्य। आज राष्ट्रीय समाज पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष हाजी जमाल अंसारी के कार्यालय पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिस प्रोग्राम में भारी संख्या में लोग नजर आए और इस पार्टी के आए हुए मेहमानों का हाजी जमाल अंसारी ने बुके व शाल पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ में ही पार्टी में बड़े चेहरे शामिल हुए। हाजी जमाल अंसारी के कामों को देखते हुए इस मौके पर आए हुए मेहमान और हाजी जमाल अंसारी ने क्या कहा, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय नायक महादेव जी जानकर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे भिवंडी के हमेशा से सरपरस्त रहे जीवाजी लेंगरे साहब, विठ्ठल साहब, भरत पाटिल साहब, रामधारी पाल साहब और लल्लन पाल साहब, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो अपने कीमती वक्त में से आज पद वितरण के प्रोग्राम में बम्बई से तशरीफ़ लाए और आरएसपी पार्टी को और मजबूती देने के लिए हमारा पूरी तरीके से उन्होंने साथ दिया। आज जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जिनको भरत पाटिल साहब ने और विठ्ठल साहब, रामधारी पाल साहब और सबकी मौजूदगी में नियुक्त किया गया है लोकसभा अध्यक्ष में, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी महिला अध्यक्ष आयशा मोमिन साहिबा को और उप अध्यक्ष आयशा अंसारी साहिबा को मैं अपनी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब से ये जो हमारी टीम है ये इंशाल्लाह राष्ट्रीय समाज पक्ष को भिवंडी शहर के घर घर में पहुँचाएगी इंशाअल्लाह ताला। महिला आघाडी शहर अध्यक्ष भिवंडी, लोकसभा अध्यक्ष भिवंडी यांची आज नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने राष्ट्रीय समाज पक्षाचे विचार सर्व समाजाच्या सर्वांपर्यंत पोहोचवाल अशी अपेक्षा करतो आणि यांची नियुक्ती झाल्यावर त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। आजचा हा भिवंडी शहरामध्ये असलेला प्रतिनिधीचा कार्यक्रम सन्माननीय महादेवजी जानकर साहेब यांच्या आशीर्वादाने हा कार्यक्रम उपदिनीचा कार्यक्रम झालेला आहे। भिवंडी लोकसभा चे प्रभारी भरत पाटील साहेब, नवनियुक्त लोकसभा अध्यक्ष दिलीप बाग दिलीप डॉक्टर दिलीप ॲडव्होकेट दिलीप बागवत यांना आजच नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। त्याच पद्धतीनं महिला अध्यक्ष आणि महिला उपाध्यक्ष आयशा अन्सारी आयशा मोमीन आशिया अन्सारी या दोघींची आज नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। माझ्या मते भिवंडी शहरामध्ये भिवंडी शहराचे अध्यक्ष हाजी जमाल अन्सारी सर यांच्या नेतृत्वात खूप सुंदर काम चालू आहे आणि इथून पुढे तर काम खूप सुंदर होईल, खूप मोठ्या प्रमाणात होईल। राष्ट्रीय समाज पक्षाचे विचार काळागाळापर्यंत पोहोचवतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे आणि त्यांच्या या आजच्या नियुक्तीसाठी आम्ही मुंबईचे प्रदेश उपाध्यक्ष रामभाई पाल, दक्षिण मध्यचे जिल्हाध्यक्ष लल्लन पाल आम्ही सगळे उपस्थित राहून त्यांच्या पुढील कार्यक्रमासाठी आम्ही शुभेच्छा।